अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं सईद राजा और एक और अपडेट आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जनाब, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जनाब, जो नेक्स्ट अभी अपडेट है, हर दिन हर दो चार घंटे के बाद नई अपडेट आ रही है। और अभी तक जो अपडेट आई है वो ये है कि जनाब, जो भी आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से जो भी दुबई आएंगे तो उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। दुबई में नहीं, बल्कि अगर आप अबू धाबी या फिर रास अल खैमा में आप अराइवल होते हैं अबू धाबी और रास अल खैमा, तो आपको मस्ट क्वारंटीन करना पड़ेगा। और अगर आप दुबई में अराइव होते हैं, शारजा में अराइव होते हैं, तो आपके लिए क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखें, अगर आप फ़्लाइट का टिकट ले रहे हैं तो वो मस्ट अभी जो है ना, अभी दुबई का या शारजा का होना चाहिए। अगर आप रास अल खैमा का या फिर आप अबू धाबी का लेंगे तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो कि अभी ताज़ा तरीन खबर आई है। और इस न्यूज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये न्यूज़ है खलीज टाइम्स का। इसके अलावा जनाब, जो भी आएंगे पीसीआर टेस्ट करा के आएंगे और यहाँ पर आएंगे, तो उसके बाद चार दिन के बाद और आठ दिन पर उनका पीसीआर टेस्ट होगा। अगर वो रास अल खैमा या फिर अबू धाबी आते हैं, अगर उनका तो तब तक क्वारंटीन करेंगे जब तक वो उनकी रिपोर्ट जो है ना नेगेटिव नहीं आती। तो जनाब, अभी जो ताज़ा तरीन थी यही थी, और अगर कोई भी अपडेट हुई तो मैं आपके लिए लाजम शेयर करूँगा। और जनाब, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चली जाए। और जनाब, अभी दे दें सईद राजा को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय एंड चाचा।